सकता है ट्रेडिंग पे आपको यूनिफॉर्म चार्जेस भी देने पड़ जाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल विपुल। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे वॉक कर सकता है। ऑप्शन चेन डिकोड कर लेते हैं, मार्केट के लेवल्स एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं और कुछ अपडेट्स हैं सो वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सो होप सी गाइस, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक अपडेट आया है सेबी से दैट शेयर्स ऑफ ब्रोकिंग स्टॉक्स लाइक एंजल वन, ये सब तो आज जो भी ब्रोकर्स थे प्रीमियम वो सब डाउन थे। द रीज़न ये है कि सेबी ने अभी कुछ उनको बोला है कि आपके जो चार्जेस का जो स्ट्रक्चर है उसको रीडिज़ाइन करो, रीडिज़ाइन या चार्जेस स्ट्रक्चर इसके बाद है ना, एंड कम्युनिकेट विद सेबी फॉर कंपाइलेंस। द थिंग इज़ दैट कि अभी सेबी ये चाहता है कि जो भी चार्जेस, मतलब हम जो ट्रेड करते हैं उसमें सम अमाउंट ऑफ चार्जेस कुछ सेबी रखता, मतलब कुछ एनएससी ये लोग रखते थे, डिवाइड होता था, कुछ ब्रोकर रखता था। तो अभी ये बोल रहा है भैया पूरा पैसा हमको दो। सो अगर ऐसा होता है, मैं मोटा मोटी आपको ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई बंदा बिजनेस लॉस में नहीं करने वाला। एंजल वन का स्टॉक 10% डाउन था, अगर हम अपना पूरा प्रॉफिट ही दे देंगे तो बचेगा क्या, क्या किस बेसिस पे काम करेंगे। ओवरऑल द थिंग इज दैट इफ सेबी इज सेइंग टू डिजाइन द स्ट्रक्चर, तो अगर ये बोलते हैं कि भैया हमें अपना पूरा, फॉर एग्जांपल हम भैया 50 रुपये ट्रेड के लगते हैं, तो अगर सेबी ये बोलता है कि भैया पूरे 50 रुपये हमें दे दो, एनएससीए बोलता है हमें दे दो 50 रुपये पूरे दे दो, तो भैया डेफिनेटली ब्रोकर कोई यहाँ पे खोल के थोड़ी ना बैठा है चंदा की आई, मतलब एक फ्री सर्विस थोड़ी खोल के बैठा है कि यार हम सबका हेल्प करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। तो डेफिनेटली वो चार्जेस इंक्रीज करेंगे, तो अभी जो हमको 50-60 रुपये लगते, हो सकता है आने वाले टाइम में हमको 100-150 रुपये लग जाए। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी पैसा है ना, दे विल सून स्टार्ट माइग्रेटिंग टू सम अदर कंट्रीज, मे बी सून दुबई। यू विल सी सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स और आर मेंटर्स टू हुम वी फॉलो ना, वो डेफिनेटली लगता है आने वाले टाइम में बाहर हमको कुछ ऐसी न्यूज़ सुनते मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग स्टॉक मार्केट के पीछे पड़ गए हैं ना कहीं इसकी वाट लगा के रख देंगे। ठीक है, अभी इसमें हमको नुकसान क्या होगा अभी नहीं देखेगा, मे भी लगता है कोई बोलेगा भी नहीं, बट देखो ना जब यहाँ पे बोला गया कि दैट रीस्ट्रक्चर डिज़ाइन, अगर अपना आप चार्जेस का स्ट्रक्चर रीडिज़ाइन करोगे और बंदे और जो भी ब्रोकर है वो अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन आपको देगा, तो वो डेफिनेटली यार जो कस्टमर है या जो रिटेलर है उससे ट्राई करेगा ना रिकवर करने का, तो डेफिनेटली ओवरऑल बर्डन तो हम ही पे पड़ेगा, हम लोग के चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं जहाँ तक मुझको लगता है। जैसे मैं अलाइन कर पा रहा हूँ, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो लूप में चल रही हैं कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ आती है हिंडनबर्ग को रिपोर्ट लेके, इन्होंने फिर से आग सुलगा दी इन द सेंस कि आज मार्केट जो गिरा ना एकदम धर्दम, बस रीज़न यही था अडानी जी का। हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट, ये देखो 9 घंटे पहले ही जस्ट अभी रिपोर्ट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 आवर्स है गो, दैट द रिपोर्ट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑफशोर सेल एंटिटीज कंट्रोल बाय गौतम अडानीज ब्रदर विनोद अडानी एंड क्लोज एसोसिएट। नॉर्मली बताता हूँ कि आपने देखा होगा अडानी ग्रुप ऑलरेडी इतना सारा डेट में स्टॉक्स शूट कर रहे थे, कैसे जो भी पैसा आया अभी इसमें हिंडनबर्ग ने पहले भी उंगली, मतलब पहले भी बताया था, अभी फिर से उसने बताया है कि जो भी जांच हुई थी ना उस टाइम पे वो सही नहीं की थी। अभी इसमें इन लोगों ने कोटक बैंक को भी धर दिया, जिसमें अगर आपने आज देखा होगा तो पूरे जो भी बैंक्स थे ना उन सब क्या लगी पड़ी थी, जिसमें कोटक बैंक्स तो समझ लो खराब स्थिति में था। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि अगर ये सब चीज़ें अभी आगे इसको बढ़ने नहीं देंगे, लोग बात उठने नहीं देंगे, हमको मार्केट में दिखा सिचुएशन, बट जो बिगर एंटिटीज़ है ना वो इसको उठने नहीं देंगी मार्केट में। हाँ, एक पॉइंट इन बिटवीन एरर रोक के बता रहा हूँ, ये जो सेबी का अपडेट आया ना कि ऐसा ऐसा कर देंगे या जो भी हमको चाहिए फलाना डेमा का, सो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये एक पाथ बना रहे हैं किसी बड़ी एंटिटी को मार्केट में लाने के लिए। अभी क्या है, आप सबको पता है कि कोई बड़ी ब्रोकिंग कंपनी मार्केट में लॉन्च होने वाली है, एक बड़ी और एलीट फैमिली से रिलेटेड है, सो उनकी एक ब्रोकिंग ऐप में भी जो भी रहेगा आने वाला है, जैसा ज़ीरोधा एंजल बर्न ये सब है, तो उनके लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको सपोर्ट हो रहा है, तो देखते हैं दूसरी कंपनीज़ के लिए भी सपोर्ट हो रहा है, अभी देखते हैं कैसे मार्केट होगा। अभी वापस से इसी रिपोर्ट पे आते, तो अभी इन लोगों ने बोला है कि एक ऑफशोर, देखो इन लोगों ने बोला है, हिंडनबर्ग ने बोला है कि जो भी अडानी ग्रुप का जो लास्ट टाइम हुआ था नाटक उस पर इन लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया। मेन प्रॉब्लम बात ये आती है कि अभी आप इसको कैलकुलेशन पकड़े कैसे जा सकते हो, ऑफशोर डेरिवेटिव होता है, अगर कई लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप डीप मार्केट जो समझते हैं वो समझ पाएंगे, ऑप्शन डेरिवेटिव्स में आप नहीं उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसका डेटा कहीं से नहीं पता कर सकते, सो उसके थ्रू ये सब जो झेल झपेटा हुआ है, इतना डिटेल में मैं भी नहीं जा सकता और मैं भी क्लियरली नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत
कॉम्प्लेक्स काम किया है ना, ये सब लोग बड़े ही एजुकेटेड एडवांस लोग करते हैं, उतना बुद्धि अपन में नहीं है, होती तो क्या ही था। सो होप्स यू गाइस समझ गए होंगे। तो ये दो कारण थे जिससे कारण आज मार्केट शार्प फॉल हुआ। अभी चलिए देखते हैं कल के ऐसे मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन शेयर इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड एंड वी कैन नॉट गारंटी द एनी एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, है ना। सेफर साइट लेके चलना पड़ता है भैया, कोई भरोसा थोड़ी ना चीज़ों का। यहाँ पे आपको देख रहा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन करते पहले तो डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। होप्स यू गाइस दिख रहा होगा डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत सही, ये ऊपर गया नीचे आया, एक हल्का सा पुल बैक मिला था कल, आज फिर नीचे चला गया। अभी 52,000 इज द मेजर लेवल, सपोर्ट लेवल। ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो 52,000 पे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, 52,200, ठीक है। मेजर सपोर्ट है 26 लाख वाइज है, बट हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, अगर कर दिया देन हमसे मिस नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। डाउन साइड में मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ, बस आपको नॉर्मली शेयर कर रहा हूँ कि SLV हिट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, तो ऑप्शन चेन थोड़ा एनालिसिस करना और अपना प्राइस एक्शन भी। डाउन साइड में फिर यहाँ पे 50 EM तो बहुत नीचे है, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं 50 टाइम फ्रेम ऊपर है, अभी मार्केट 50 EM के नीचे आ चुका है, सो इट मीन्स इट इज़ अ लिटिल बिट नेगेटिव फॉर अस। जब तक फॉर 52,400 के ऊपर नहीं जाएगा कुछ होने वाला नहीं है, है ना। मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिनेरियो देख रहा है क्योंकि ये लोअर लोस बना रहा है। ये देखो एकदम शार्प फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर शार्प फॉल हुआ। द थिंग इज दैट अभी आप बोलोगे हाँ, देखो मेरा सेटअप कैसा लगता है मैं आपको बताता हूँ। आज क्या हुआ, मेरा सेटअप बनता है यहाँ से, या तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो, गैप अप इन द सेंस कि जो प्रीवियस 50 EMA है ना, इससे अराउंड समझ लो 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो, तो फिर मुझको बाइंग का ऊपर से मैं सेलिंग कर सकता हूँ। मार्केट कुछ ऐसे लेवल पे ओपन हुआ 52,800, नीचे आ गया दो ही कैंडल में। थिंग इज दैट अभी अगर 50 EMA के नीचे कुछ मिलता मुझको पुल बैक या कुछ ऐसा एक आध बार बायस ट्राई करते, देन फिर मैं उसके ब्रेक डाउन के बाद एक सेलिंग साइकिल अपॉर्चुनिटी देखता, बट मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया। सो यहाँ पे यार कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जनरली बताता हूँ ना, मेरे को से तो ये मिस हो गया मार्केट। और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सॉरी निफ्टी और फिर निफ्टी में हुआ हो तो नहीं पता, मैं उसमें ट्रेड करता नहीं। निफ्टी की बात करेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, ये प्रॉपर नीचे आया, यहाँ पे ये एक पुल बैक मिल रहा था बट फिर इसके नीचे मार्केट नहीं आया, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ऊपर आया। यहाँ पे मैंने वो किया था कैप्चर, ये एग्जैक्ट मैंने ये मोमेंटम कैप्चर किया था, कुछ मैंने कॉल शॉर्ट किए थे, ठीक है। तो प्रॉपर नीचे आया, फिर उसके बाद ये मार्केट यहाँ साइडवेज रहा आया, यहाँ कहीं पे मैंने कुछ 52,000 यहाँ समथिंग पे मैंने कॉल शॉर्ट किए थे, हाँ यहाँ पे अगेन मैंने कुछ कॉल शॉर्ट किए थे क्योंकि मुझको लगा था 52,000 में भी ब्रेक हो सकता है आज। सो मार्केट रिवर्सल हो गया, एक ऐसे लोट हो गया, एम टू एम वी आर कॉस्ट टू कॉस्ट पे है ना, कुछ ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रोकेज निकली खाली। सो ठीक है, अभी देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। ये थी बैंक निफ्टी, कल इसी पे फोकस रहेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है 52,400 और डाउन साइड में 52,400 पॉइंट की रेंज है, देखते क्या कर सकता है। गैप अप गैप डाउन में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, मार्केट तुरंत रिएक्ट कर देता है और ऐसे में हमको भी ट्रेड नहीं मिला तो फिर क्या ही मतलब। निफ्टी देख लेते हैं, और सिर दुखने लगा यार, निफ्टी देखो ऊपर बना दिया है, एक नेगेटिव कैंडल बना दिया डेट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट 24,000 50 EMA के ऊपर है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब तक इसके ऊपर है सेलिंग साइड नहीं देखेंगे, इसके नीचे आने तो एक कुल बैक मिलने, देन ओनली वी कैन लुक फॉर अ सेलिंग साइड, और लोअर लोस बन रहे हैं तो ये भी एक प्राइस एक्शन शो हो रहा है। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया, जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर की, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना।